ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द वर्को साइन, यानी कि कन्या राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो महीना है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये एक जरूर रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी के जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, हम चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं वर्गो क्या रहने वाली है एनर्जी। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। वहाँ पे हम डेली रीडिंग अपलोड करते हैं और लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहले ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द वर्गो for the coming February month. Let's find out. Okay, so we have Lord Karma here. आप देख सकते हैं टर्टल पे बैठे हुए, ठीक है, चलिए okay. क्या blessings आ रही है? Ability to provide support, steadiness and dependability, skills to manage contradictory forces. ओके, सपोर्ट, आई थिंक एनी फॉर्म ऑफ सपोर्ट, ठीक है। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिवाइन ब्लेसिंग्स हियर, जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। देन स्टेडीनेस, देखिए टर्टल कितना स्लो होता है, ठीक है, वेरी स्लो पेस। आपको हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, बट इसका मतलब स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। तो वो जो स्टेडीनेस है आपकी लाइफ में, आई थिंक फेब्रुअरी मंथ में आप फील कर सकते हैं। और प्लस यू नो स्किल्स, आपके अंदर एक खासियत है कि जाहिर सिचुएशंस जो भी हैं, ठीक है, आप उनसे लड़ना जानते हैं और या सीख चुके हैं, और यही आपका प्लस पॉइंट है, यही आपके लिए ब्लेसिंग्स भी हैं, ठीक है। तो इनको रिसीव कीजिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं क्या रहने वाली है For all the Virgo. Doors opening up, door to spirit, I think yes. आपकी सोच से भी बेहतर मुझे ऐसा लग रहा है, नए दरवाजे खुल रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत कुछ। मे बी आप बिलीव ना कर पा रहे हो, बट येस दैट इज़ द ट्रुथ, ठीक है। आगे की तरफ बढ़िए और एक अपना विजन क्रिएट कीजिए, बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि आपकी सोच से भी बहुत कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन। वी हैव चेंजेस, न्यू डोर्स, मे बी इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मे बी इट्स अबाउट कि आप कुछ अपनी लाइफ में स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है ऑल इन ऑल एंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे। चलिए अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, कि लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, समथिंग गोइंग ऑन इन योर माइंड, ठीक है, आप क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इमोशन आ रहा है, एक इमोशन जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है। वाई? बिकॉज कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, या कुछ है अंदर ही अंदर, कोई चीज़ आपको रोक रही है, फियर्स टू ओवरकम, आप खुद ही नहीं जान पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। और मे बी इट्स अबाउट पास्ट पर्सन, या क्लैरिटी है, बड़ा एल्गोरिथम चल रहा है दिमाग में, एलजेब्रा और मैथमेटिक्स, आई वाज सो बैड एट मैथमेटिक्स, यू नो, सो वो चीज़ दिमाग में ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन चल रही है कि क्या हो रहा है, कैसे होगा, प्लस माइनस कर रहे हैं, अल्फा थीटा गामा, वो चीज़ आई थिंक आपके उसमें चल रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट येस, क्योंकि यहाँ पे ना, क्योंकि मुझे वो याद आ गया है फिजिक्स एंड वो जो हम पढ़ा करते थे एंड ऑल दैट, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो मे बी इट्स अबाउट आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या होगा, कैसे होगा, खुद से ही सवाल, खुद से ही जवाब अबाउट अ कनेक्शन। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, मे बी दे आर मैरिड, मे बी हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, या हो सकता है कि बिजी हैं अपनी लाइफस्टाइल में, वो चीज़ हो सकती है। मे बी कोई यंग है आपसे, ठीक है, या थर्ड पार्टी कनेक्शन, या ऐसी कोई सिचुएशन है, और मे बी इट्स अबाउट कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट दैट, और पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं वर्गो आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब इनका मूव क्या है? नो मूव,
ठीक है, मूव स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट अबाउट स्पाइंग, इट्स जस्ट अबाउट चेकिंग, या हो सकता है ये पर्सन बैठे हुए हैं, या हो सकता है इनकी शादी हो गई हो कल को, किस लाइक कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है, और आपकी तरफ से मुझे नहीं लगता, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप जगल कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू नो लाइक अपने आप को अलूफ रख रहे हैं आप खुद पर्पसली, क्यों, क्योंकि मे बी आपको वेट है कि आप शायद कोई आपको रीच आउट करे, या आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में और वर्किंग टूवर्ड्स दैट, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, एंड वेटिंग फॉर द राइट टाइम, या वही चीज़ है कि कोई पर्पस है जिसको चेज कर रहे हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, तो इट्स ओके. चलिए अब हम बात करेंगे करियर की, कि करियर वाइज ये जो महीना है वर्गो के लिए कैसा रहेगा. ओके, करियर वाइज अगेन यहाँ पे नई शुरुआत दिखाई दे रही है फेब्रुअरी मंथ में. आई थिंक कुछ अच्छा, कुछ ब्राइट, मे बी कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट नेक्स्ट लेवल या हायर रैंक, या हो सकता है कि नई कोई नए आइडिया पे काम कर रहे हैं, और यू नो लाइक थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर, योर वे, जैसे आप चाह रहे हैं, तो वो चीज़ें हो सकती हैं, तो अच्छी बात है, एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, सो घबराने वाली बात नहीं है वर्को, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू. तो अगर ऑल इन ऑल मैं बात करूँ तो येस इट्स अबाउट मै ओ वी हैव दैट मजिशियन कार्ड, तो आप अपने करियर को जैसी चाहें वैसी दिशा दे सकते हैं, बिकॉज डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बिकॉज वो आपको पाथ शो कर रहे हैं, दे आर देयर टू सपोर्ट यू, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू यू नो टेक इट फॉरवर्ड और अपना बेस्ट देना है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, येस फॉरवर्ड मूवमेंट, तो आगे बढ़िए, घबराना किस बात का. ओके वर्गो, वही गाना आ रहा है, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, आगे नहीं आता, आगे आप देख लेना क्या गाइडेंस है. एक और गाना मेरे माइंड में आ रहा है वर्गो, मे बी इट्स अबाउट कनेक्शन, मे बी इट्स अबाउट लव, कोई होता जिसको अपना, हम अपना कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, आई थिंक लाइक समथिंग, बहुत पुराना गाना है आप देख लेना, ठीक है, तो मे बी इट्स अबाउट कनेक्शंस, यू नो पास्ट रीसर्फेस हो रहे हैं, आप समझ नहीं आ रहा, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, तो उसका इसका क्या मतलब है, दैट मे बी इट्स अबाउट कि आप खुद बने हुए हैं, या आपको लगता है इट्स अबाउट इमोशन, इट्स अबाउट इनर चाइल्ड, ठीक है, तो उसमें से आपको खुद को ही निकालना है, क्योंकि आप खुद के ही पेरेंट हैं, समझ गए, नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, खुशी अंदर होती है, ठीक है ना, खुशी अपने अंदर होती है, एंड मे बी इट्स अबाउट आपको वो ढूंढने की ज़रूरत है, जब आप खुद खुश हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली, ठीक है, खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, बट लोग गलत सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हम खुशी को ढूंढने जाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, मे बी यू आर फीलिंग इनकम्प्लीट, बट फर्स्ट यू फील कम्प्लीट इन योर सेल्फ, देन ओनली आप एक अच्छा कनेक्शन आ सकता है, और उस सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, परसेप्शंस बनाते हैं, जो भी है, मतलब इट्स अबाउट लाइक समथिंग फॉल्स, या कुछ क्लियर नहीं है, जस्ट प्रोजेक्ट हो रहा है, नथिंग यू नो, और मे बी लाइक मे बी यू आर जस्ट कनेक्टिंग विद पीपल ऑन सुपरफिशियल लेवल, अंदर से तो जाना ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, आई डोंट नो, मे बी ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है. सो दिस इज़ इट, ये थी आपकी रीडिंग वर्गो, आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए.